गंगानगर से बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बोले सीपी जोशी, कहा अभी छोटा मंत्रिमंडल आएगा, उसके बाद होगा विस्तार। हर वर्ग हर क्षेत्र को साधते हुए बनेगा मंत्रिमंडल, ये बात सीपी जोशी की तरफ से कही गई है। जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत में उन्होंने कहा है कि अभी छोटा मंत्रिमंडल आएगा, उसके बाद विस्तार होगा। हर वर्ग हर क्षेत्र को साधते हुए मंत्रिमंडल बनेगा। मंत्रिमंडल गठन, चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। और ये ज़रूर मैं कह सकता हूं कि देश में पहली बार वीर बाल दिवस उन शहजादों के नाम पर मनाने का निर्णय अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। जहाँ पहले मुगलों के गौरव गाथाएं गाई जाती थी, आज उन वीर साहबजादों का बलिदान दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। ये काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। सुनील सियाग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सुनील, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर ही अब इंतजार किया जा रहा है कब होगा, लेकिन ऐसे में जब बातचीत सीपी जोशी से की गई, उन्होंने ये साफ कर दिया है अभी छोटा मंत्रिमंडल ही सही लेकिन उसका विस्तार बाद में होगा, लेकिन पहले छोटा मंत्रिमंडल होगा। क्या कुछ कहा उनकी तरफ से गया है, जरा वो बताएगा, क्योंकि बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए दीपिका, बिल्कुल एक बड़ा अपडेट फर्स्ट इंडिया के साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने साझा किया है। जब हमारी बात चली तो हमने उनसे सवाल किया भाई मंत्रिमंडल कब हो रहा है और किस तरीके से होगा, गंगानगर को प्रतिनिधि तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली सरकार में गंगानगर को प्रतिनिधि तो नहीं मिला था। उसी को लेकर इन्होंने कहा है कि बिल्कुल हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनेगा, पर जो अभी मंत्रिमंडल बनेगा वो बिल्कुल छोटा होगा, छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, उसके बाद में ही जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, विस्तार उसके बाद में होगा, ज्यादा मंत्री अभी नहीं बनेंगे। करीब जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई तो 10 से 12 मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं पहले फेज में, उसके बाद में जब विस्तार होगा तो उसके बाद में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस समय सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में हर विधायक को शामिल किया जाएगा, इस तरीके का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का मानना था। और बड़ी बात यह है कि जो अभी जो बात निकल के सामने आई है, जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है दीपिका, और कभी भी ये मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, कल भी हो सकता है, एक दिन बाद ही हो सकता है, पर 1-2 दिन के अंदर कभी भी ये मंत्रिमंडल का, उनके जो उन्होंने हमसे बातचीत की तो उनमें संकेत उन्होंने दिए हैं। और बड़ी बात ये सामने आई है कि खुलकर उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल छोटा होगा, नहीं कि बड़ा होने जा रहा है, 20 या 25 लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, मंत्री शामिल नहीं होंगे, सिर्फ 10 से 12 मंत्री इसमें शामिल होंगे, क्योंकि छोटा मंत्रिमंडल होगा और उसके बाद में हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा विधायकों का, कहाँ कौन से क्षेत्र में और कौन से समाज से मंत्री लिया जाए। तो उनका ये साफ कहना था कि हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग का हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा, सीपी जोशी की तरफ से कहा गया। हालांकि इंतजार अभी भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।